नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव सिलोनिया। आप सभी का आज हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप इन शॉर्ट वीडियो एडिटर के अंदर फोटो से वीडियो कैसे बना सकते हो, और ये बिल्कुल ही आसान है और स्टेप बाय स्टेप आप अगर देखोगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा और आप फोटो से अच्छी अच्छी वीडियो अपने मोबाइल फोन के अंदर बना सकते हो। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन पे, और उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो दोस्तों, अभी मैं मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन पे आ गया हूँ, जहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा। इसके लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल फोन में इनशॉट वीडियो एडिटर को ओपन कर लेंगे। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो इसका कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसके अंदर ये हमें बताएगा कि हमें वीडियो एडिट करनी, फोटो एडिट करनी या कॉलेज बनाना है। तो अभी हमें एक वीडियो बनानी है तो हम वीडियो पे सिलेक्ट कर लेंगे, और वीडियो पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें जो वीडियो बनानी है तो हम न्यू पे सिलेक्ट करेंगे। न्यू पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके फोटो आ जाएंगे, जो जो फोटो आपको एडिट करने हैं। तो मैंने पहले से ही यहाँ पे फोटो एडिट करके रख रखी है, तो मैं हमारी ये पहले से जो ओपन है तो मैं इसको दोबारा ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर मैंने अपने कुछ फोटोज ले रखे हैं जो हमें एडिट करने हैं। तो आपको अगर वीडियो बनानी है तो आपको ये बीच में यहाँ पे एक पेंसिल का निशान दिखाई दे रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको अपनी सबसे पहले ट्रांजिशन चेंज कर लेनी है कि एक फोटो से दूसरे फोटो जब दिखेगी तो कैसा दिखाई देना है। तो अब मैंने अभी ये ऐसा चेंज कर दिया है। ऐसे ही करके आपको इस चारों के चारों चेंज कर लिए, जितने भी मतलब आप फोटो लगाओगे उनको आपको चेंज कर लेना है। तो आप उनको चेंज करोगे, चेंज करने के बाद आपको जब आप उन सारी फोटोज को चेंज कर दोगे तो आपको ये चारों चेंज करने के बाद टिकर्स में जाना है। और उससे पहले अगर आपको अपनी फोटो का जो साइज है वो अगर आपको कम ज्यादा करना है तो आपको कैनवस में जाना है, और यहाँ से अपनी फोटो का साइज आप कम ज्यादा कर सकते हो। अगर घटाना बढ़ाना तो आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हो, और अगर आप उसी साइज को सब पे सिलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ अप्लाई टू ऑल भी कर सकते हो। और जिस साइड साइज की आपको वीडियो बनानी है, जिस भी वीडियो एडिटिंग ऐप पे आपको वो अपलोड करनी है जिस भी ऐप पे, तो आपको वो ऐप का साइज यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ से फोटो एडिट करने के बाद स्टिकर्स में जाना है। स्टिकर्स में जाने के बाद यहाँ से आप अपने फोटो पे जो भी स्टिकर लगाना चाहते हो, जो भी लाइट लगाना चाहते हो, वो आप यहाँ से लगा सकते हो। जब आप इसको लगा दोगे तो ये लगाने के बाद इसको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करोगे तो अभी आप एक इसको एक बार देख सकते हो कि आपकी फ़ोटो के ऊपर कैसी दिखाई दे रही है। तो आप इसके फोटो के ऊपर देखोगे तो आपके फ़ोटो पे ऐसे चलती हुई आपको दिखाई देगी। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ से उसके अलावा अगर आपको और स्टिकर्स ऐड करने तो वो भी आप अपनी वीडियो में ऐड कर सकते हो। ऐसे ही वो आपकी स्टिकर्स और भी जो आप स्टिकर इसके अंदर ऐड करोगे तो वो इसके अंदर ऐसे ही दिखाई देंगे। ऐड करने के बाद आपको अगर यहाँ पे टेक्स्ट लगाना है तो आप टेक्स्ट भी यहाँ से टेक्स्ट में जाके कुछ भी अगर आपको लिखना है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, उसके बाद आपको फिल्टर में जाना है। और फिल्टर में जाने के बाद आपको इसके ऊपर अगर कोई इफेक्ट यूज करना है तो आप यहाँ से इफेक्ट में जाके, जैसे एक ग्लिच का इफेक्ट है ये आप यूज कर सकते हो। और उसके अलावा और भी बहुत सारे इफेक्ट हैं जो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। इफेक्ट के अंदर आपको जाना है और इफेक्ट में जाके आप यहाँ पे आप जिसकी भी फोटो लगाना चाहो, जैसे अभी मैंने अपनी फोटो लगाई तो आप अपनी फोटो भी यहाँ पे लगा सकते हो। और उसके बाद आपको इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ से आप फिल्टर लगा के इसको फोटो को कम ज्यादा ब्राइटनेस भी घटा बढ़ा सकते हो, जो भी आपको बढ़ानी घटानी है वो आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हो। और उसके अलावा कॉन्ट्रास्ट भी आप यहाँ से आप इसका एडिट कर सकते हो। उसके बाद आपको इसको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको बैकग्राउंड अगर अपनी फोटो का चेंज करना है, जैसे आपकी ये फोटो है इसका अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है, अगर आपको ये फोटो अलग लगानी है या फिर आपको ये फोटो अलग दिखानी है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ बैकग्राउंड में जाना है। और बैकग्राउंड में जाने के बाद आपको जिस भी कलर का बैकग्राउंड यहाँ पे लगाना है आपको लगा सकते हो। और उसके बाद आपको अगर आपको ये अप्लाई टू ऑल करना है तो आप इस बैकग्राउंड को अप्लाई टू ऑल कर दीजिए, तो अप्लाई टू ऑल हो जाएगा, ये सभी पे ये सेम बैकग्राउंड आपका दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे म्यूजिक पे जाना है, और म्यूजिक पे जाने के बाद अगर आपका कोई गाना है, आपके फ़ोन के अंदर कोई गाना है, तो आप वो गाना यहाँ पे लगा सकते हो। और उसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन लगाना है, अगर आपको कहीं पे लगाना है, तो इनमें से आप कोई भी गाना यूज़ करके इसके ऊपर लगा सकते हो। इसके अंदर ये ऑनलाइन गाने फ्री में मिल जाते हैं। और अगर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक से बचना है तो यहाँ पे जो ये म्यूजिक और म्यूजिशियनर का और ये URL है, इसको आपको कॉपी करके अपने डिस्क्रिप्शन में लगाना है, और उसके बाद आपके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। तो आप ऐसे करके अपनी एक वीडियो बना लीजिए, और जैसे ही वीडियो कम्प्लीट हो जाएगी उसके बाद फिर आप इसको चला के देखिए। और जब आपको ये वीडियो पूरी की पूरी एडिट हो जाए तो उसके बाद आप इसको सेव पे के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सेव करोगे तो आपको क्वालिटी पे जाना है, और आपको ये वीडियो देख लेनी है 5 सेकंड की, 7 सेकंड की, जितनी भी एक वीडियो होगी। अगर आपके में वाटरमार्क आ रहा है नीचे तो आपको वाटरमार्क रिमूव करने के लिए भी एक वीडियो देखनी पड़ेगी, जो मैंने पहले ही देख ली थी, तो इसलिए अभी मेरी वीडियो में कोई वाटरमार्क नहीं है और मेरी ये वीडियो कुछ ऐसी दिखाई दे रही है।
इसका जो म्यूजिक है मैंने कॉपीराइट स्ट्राइक आने की वजह से हटा दिया, लेकिन आप वो म्यूजिक लगा सकते हो अगर आपको अपनी वीडियो के अंदर म्यूजिक लगाना है तो। और यहीं से आप इसको डायरेक्ट भेज भी सकते हो, जहाँ पे भी आपको शेयर करनी है यहीं से आप इसको डायरेक्ट शेयर कर सकते हो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी और आपको समझ आया होगा कैसे कैसे आपको वीडियो एडिट करनी है और कैसे कैसे उसके अंदर फोटोज़ लगानी है। उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप किसी और चीज़ की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।